हे गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एप्रोक्स टेक। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप डिस्कॉर्ड का सर्वर बना सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डिस्कॉर्ड में आप कैसे लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कैसे ज्वाइन हो सकते हो दूसरे सर्वर में। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपना खुद का एक सर्वर बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपने डिस्कॉर्ड ऐप में चले जाइए और लॉगिन कर देना। अगर आपने लॉगिन रजिस्टर कर दिया होगा तो लॉगिन कर देना सीधा, ठीक है। और जैसे ये प्लस का आइकन दिख रहा है, तो इस प्लस के आइकन पे हम क्लिक करेंगे और दिखा रहा होगा ज्वाइन सर्वर और क्रिएट सर्वर। अभी हमें क्रिएट करना है तो हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप अपना सर्वर नेम कोई भी दे सकते हैं, जैसे हम एप्रोक्स टेक दे देते हैं, इसको साइड ले देते हैं। और अपलोड कर सकते हो कोई भी फोटो अपने गैलरी या किसी से। तो अभी मैं कुछ अपलोड नहीं करूँगा, मैं सीधा क्रिएट सर्वर पे जाता हूँ। और आप देख सकते हैं इनवाइट पीपल दिखा रहा है। अब अगर आपके अंदर इसमें पहले से फ्रेंड है तो अंदर नाम आ जाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, शेयर कर दिए कर देना किसी को भी, ठीक है। तो जैसे मैं किसी को भी इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है, शेयर कर सकते हो, शेयर कर देना कहीं। तो गाइज, अगर आप शेयर नहीं करो या किसी को इनवाइट नहीं करो और क्रॉस कर दोगे ना, तब भी आपका सर्वर तो बन चुका होगा। तो अब ये सर्वर एकदम खाली खाली दिखेगा आपको। देखो, सबसे पहले ऊपर मेरा नाम आ रहा है एप्रोक्स टेक, जैसे कि मैंने सर्वर नेम डाला था। और ये जो आप देख रहे हो नीचे निमेश पांडेरी वाला, वो मेरा लॉगिन पेज है, वो नॉर्मल है, और एक सर्वर अलग है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे नाम होता है, व्हाट्सएप का ग्रुप अलग बनाते ना, ऐसे ही है सेम। तो गाइज, अब सर्वर में हमको बहुत सारी चीज़ें लानी होती है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा ओनली जनरल दिख रहा है, और वॉइस चैनल में भी जनरल दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमें इसमें और क्रिएट करनी है चीज़ें। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे आप प्लस है, ठीक है, प्लस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो प्लस पे हम और चैनल नाम दे सकते हैं, जैसे कि साउंड दे दिया हमने, एक तरह से साउंड दे दिया। अब इसमें हम वॉइस चैनल हो सकता है, टेक्स्ट चैनल हो सकता है। साउंड वाले में जैसे भी, अगर आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, मतलब ओनली इसमें टेक्स्ट मैसेज ही चलेंगे, वॉइस नहीं चलेगा। अगर एक वॉइस करना है तो वॉइस वाला ही कर सकते हो आप, ऐसा है। तो ये प्राइवेट भी हो जाएगा, ताकि इससे क्या है कि कोई और मैसेज नहीं कर पाएगा, आप खुद ही कर पाओगे इस पर। तो हम जैसे टेक्स्ट मैसेज करके देख लेते हैं, और इसको हमने कर दिया। तो एक साउंड का बन गया है वॉइस चैनल में, देखे एक जनरल था, एक साउंड हो गया है। अब इसके अलावा भी हमें जोड़ दें, तो हम ये थ्री डॉट पे जाएंगे और क्रिएट कैटेगरी पे जाएंगे। कैटेगरी नेम डाल दीजिए कोई भी, जैसे हम डाल देते वॉइस वन डाल देते, ठीक है, वॉइस वन, चलो मीम्स डाल देते, वॉइस वन नहीं डालते, मीम्स डाल देते, कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो दिमाग में आ रहा हो। हमने मीम्स डाला, और देखिए नीचे एक कैटेगरी बन गई मीम्स की। इसके अंदर फिर प्लस पे जाइए, फिर अगर आपको कुछ जोड़ना है, जैसे टेक्स्ट हो गया या वॉइस चैनल हो गया, तो इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, टेक्स्ट चैनल, तो ये जुड़ गया। तो अब क्या होगा ना, आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक मेन होता है इनका, इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, एक अलग पार्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हो। तो गाइस, अब हम जैसे साउंड में देख लेते हैं हम, या वॉइस में देखते होंगे हम, सोलो हो गया, डुओ हो गया, स्क्वाड हो गया, ऐसे हम जो जुड़ने का होता है माइक, जिसमें हम वॉइस चैट कर सकते हैं, लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं, तो उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज आपने ये जनरल वाला ही बनाया है, अगर आपने वॉइस वाला बनाया तो उसी में ज्वाइन होगा। जैसे आप जनरल वाला बनाए, ठीक है, तो इस पर क्या करना है आपको, क्लिक करे रखना है। अब इसमें यूज़र लिमिट हो जाएगी, कितने यूज़र्स ज्वाइन हो सकते हैं। सपोज़ आपने 99 यूज़र्स कर दिया, और 4 यूज़र्स भी कर सकते हो, 6 यूज़र्स भी, जैसे 6 करके दिखाता हूँ। और ये सेव नीचे, जैसे सेव करोगे, बैक करके दिखा देता हूँ, तो देखिए इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो वॉइस में, और 6 जने, लास्ट 6 जने ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइस, इस को बनाना बहुत इजी है, सर्वर को बनाना, सर्वर में ऐड करना बहुत इजी है, और
जैसे जैसे आपके दिमाग में आएगा वैसे वैसे आप कैटेगरी बना सकते हो अपनी मर्जी से। अब जैसे मैंने एक बनाई है मीम्स की बनाई है, और वॉइस चैनल में हमने साउंड का एक ऑप्शन बनाया था। साउंड में भी आप मैसेज कर सकते हो किसी को, या कुछ भी बना सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। किसी से देख के, वैसे कॉपी करना तो नहीं होता है वैसे वो, लेकिन आप देख के थोड़ा बहुत उससे लेके बना सकते हो और भी चीज़ें। किसी यूट्यूबर का देखो या कोई और डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होके देखो कैसा कैसा बनाया है, किस तरह बनाया है, वो आप बना सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसका और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और आपको बता सकूँ कैसे आप और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। चलिए फिर, सर्वर हमने बना दिया है और हम इसमें इनवाइट करते हैं लोगों को। तो गाइस ये देखिए, हम राइट में जाएंगे तो हमारा ये जैसे हम नाम है, हम एडमिन है इसके, और नीचे ऐड होते जाएंगे मेंबर्स, उनकी एक कैटेगरी बनती जाएगी। जैसे यूट्यूबर होगा, को लीडर हो गया, मतलब सीधा एडिटर में ये सब जुड़ते रहेंगे। और इसमें बॉट जो होते हैं ना, वो बॉट कैसे लाने हैं तो वो मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, कौन कौन से बॉट क्या काम करते हैं और कहाँ से वो बॉट इसमें ऐड करने हैं। अभी बॉट वॉट कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी, मतलब नहीं है। हम शॉर्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस फिर मिलेंगे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।